नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे उस समस्या की, तो मैं समझता हूँ हर चौथी पांचवी गृहिणी को या किसी भी व्यक्ति को मौजूद है। समस्या है कैल्केनियल स्पर की। समस्या है आपकी एड़ी के निचले हिस्से में, तलवे में, पैर के तलवे में दर्द की। यह समस्या आज बहुत आम हो गई है। हम लोग का जीवन दौड़ते बीतता है, पूरा दिन दौड़ते बीतता है और आधी रात दौड़ते बीतती है। तो इतना वक्त जो हम अपने इस पैर की निचली हड्डी, जिसको कैल्केनियम बोन कहते हैं, उससे इतना ज़्यादा काम ले रहे हैं कि वह भी जवाब दे जाती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ढूंढते हैं चप्पल। चप्पल 3,000 की हो, 4,000 की हो, 5,000 की हो, डॉक्टर सोल की चप्पल की तलाश में निकलते हैं, जो कि तमाम कंपनियां बनाती हैं। क्योंकि आप किसी के पास भी जाते हैं डॉक्टर पास, वो यही कहता है कि आप मुलायम चप्पल पहनिए, उससे आपको आराम मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल है साथियों निदान का। आराम तो मिलेगा मुलायम चप्पल से, लेकिन निदान कैसे मिलेगा? निदान मिलेगा उस नुस्खे से जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। होता क्या है साथियों, छोटी सी बात है, आपको तुरंत बता सकते हैं, लेकिन इसी बहाने आपसे थोड़ी देर बातचीत हो जाती है। और मैं चाहता हूं कि विषय की महत्ता को समझते हुए, विषय की महत्ता को समझते हुए बात रखी जाए तो बात में गंभीरता आ जाती है। नहीं तो क्या है, आप भी जानते हैं हिंदुस्तान में अभी, अगर एक छोटी सी बात आपको बताएं, आप कहीं जादू देखने जाइए, आप जादू देखने गए, जादूगर ने जो है एक टोपी में कबूतर डाला और जब उस टोपी को घुमाया तो उसमें से फूल निकल आए। आपने क्या करी, आपने ताली बजाना शुरू कर दिया, आप बहुत खुश हो गए, आप उस जादूगर की दाद देने लगे कि उसने कैसे सफाई से सारा काम कर दिया। अब मैं आपको इस बात का दूसरा एंगल रखना चाहता हूं। मान लीजिए जब आप उस ऑडिटोरियम से जादू देख के बाहर जा रहे हैं, तो जादूगर ने आपको वो ट्रिक बता दी जिससे उसने उस कबूतर को फूल में बदलता हुआ आपके सामने साबित कर दिया था। उसके बाद कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस ऑडिटोरियम के बाहर निकलेंगे, तो वही लोग जो 2 मिनट पहले ताली बजा रहे थे, वही लोग 2 मिनट बाद जब उस ऑडिटोरियम से उस ट्रिक को जान के, उस जादू की ट्रिक को जान के निकलेंगे, तो वो जब दोबारा जादूगर अगर उन्हें गलती से बाहर मिलेगा तो उससे यही कहेंगे, ये कहाँ पे आ गया, इसके जैसी ट्रिक तो हम लोग घर में गली कूचे में हमारा छोटा सा बच्चा भी कर लेता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो उसने करके दिखाया, 500 का टिकट भी ले लिया। तो मैं जादू कोई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपनी बात बताने से पहले इस विषय की महत्ता को समझ लेना जरूरी है। तो हम आपको बताएंगे ऐसा नुस्खा जो आपके इस एड़ी के दर्द को, इस कैल्केनियल स्पर को ख़त्म कर देगा, और आपके जो ये मन में मिसकंसेप्शन एक होता है, बढ़ी हुई एड़ी की हड्डी, बढ़े हुई पैर के तलवे की हड्डी, उस मिसकंसेप्शन को ख़त्म कर देगा। और आप जो ये 4-5-6 हज़ार रुपए की चप्पल को तलाशते हैं बाज़ार में, इसको आप तलाशना बंद कर देंगे। वैसे मुलायम चप्पल पहनना बुरी बात नहीं है, अच्छी कंपनी की चप्पल पहनना बुरी बात नहीं है। जब आप पैर से इतना काम ले रहे हैं तो आपको चप्पल अच्छी पहननी चाहिए, लेकिन फिर भी आप चप्पल ज़रूर अच्छी पहनिए, लेकिन आपको एड़ी में तकलीफ ना हो। तो हम आपको बताते हैं जादुई नुस्खा जो 1 रुपये लागत का भी नहीं है, और वह आपके पैर की जो एड़ी तलवे की हड्डी है, उस बड़ी हड्डी को ख़त्म करके आपको ठीक कर देगा। आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, आपको किसी पान वाले की दुकान पर चले जाना है या किसी परचून की दुकान पर चले जाना है जो मसाला बेचता हो, मसाला मतलब पान मसाला। ऐसे व्यक्ति के पास, ऐसे हॉकर के पास, पान की दुकान या मसाला जो परचून वाले लोग हैं, इनके पास आपको 5 रुपए का डिबिया में चूना मिल जाएगा, जो यहाँ पान में लगाते हैं।
उनके लोटे में भी रखा रहता है, चाहे आप उससे ले ले, चाहे 5 रुपए की छोटी सी डिबी आती वो ले ले, और उसमें से हमारे जिन भी भाई बहनों के साथियों के दर्द है एड़ी में, वह उसमें से चने के बराबर, चने भी क्या, गेहूं के दाने के बराबर, गेहूं के दाने के बराबर चूना ले लें, वही चूना जो पान वाले के यहाँ मिलता है, वही चूना जो पान वाला पान पे लगा के देखता है, वह आप गेहूं के बराबर चूना ले लें, उस चूने को आप गुनगुने पानी में डाल के या दूध में डाल के मिला के उस चूने को रोज सुबह आप पी लें। 15 दिन के अंदर आपको जो पैर के तलवे में दर्द हो रहा है, पैर जमीन पे रखते ही जान निकल जाती, जब आप पलंग से उठते हैं तो पैर जमीन पे रखते ही आपकी जान निकल जाती है, उस स्थिति से आपको निजात मिलने लगेगी और महीने भर के अंदर आप इस समस्या से निकल जाएंगे, ऐसी पूरी संभावना है। आप एक बार इसको करके देखिए, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, आप चूना का अरेंजमेंट कर लीजिए, वही चूना जो पान में लगता है, वही चूना जो पान वाले आपको मसाले के साथ मिला के बहुत लोग खाते हैं, वो चूना आप गेहूं के दाने के बराबर एक गुनगुने पानी, बड़े गिलास गुनगुने पानी में डाल के या दूध में डाल के बड़े गिलास रोज सुबह आप पी लें, आप देखेंगे कि आपका यह जो एड़ी का दर्द है, जो आपके पैर के तलवे का दर्द है, वह पूरी तरह खत्म हो गया और आप इस समस्या से निकल गए। आप इस नुस्खे को करिएगा, और जो ये कमेंट पोर्शन यूट्यूब का बना है, इसमें आप इसका नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी जो भी आपके सामने आए, अगर आपकी एड़ी में दर्द है तो जो नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी आपके सामने आए वह आप लिखिएगा, ताकि अन्य लोगों को भी उसके बारे में पता लगे और हमें भी पता लगे कि हम जो बात इतनी देर आपका वक्त ले रहे हैं उस बात का प्रभाव कितना है, वह बात प्रभावशाली है कि नहीं। हम तो अपने क्लिनिक पे इसको प्रभावशाली होते देखते हैं और हम चाहते हैं आप भी इससे लाभ लें, तो इस नुस्खे को करें और हमें बताएं। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वेरी भी लिख सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप नंबर जो नीचे दिया हुआ है उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी समस्या। हमें जब खुशी होगी आपके इस समस्या को, उस क्वेश्चन को निदान करने में। अगर साथियों आपको यह वीडियो, जो कि मैं समझता हूँ आपके पैर के तलवे का दर्द, जो कि आप सुबह उठते हैं और पैर ज़मीन पर रखते हैं और जान निकल जाती है, वो जो पैर के तलवे का दर्द है जिसको कैल्केनियल स्पर भी कहते हैं, उसको ठीक करने में आराम मिलना आपको इस वीडियो से महसूस होता हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, आप नए साथियों को सब्सक्राइब करने को प्रेरित कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबा कर क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो आप यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। Thank you.